गुड मॉर्निंग सर ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऋषिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, एकदम। थैंक यू। जस्ट वी विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। जी थैंक यू। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार धनवंतरी के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं सारे खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे अपने स्क्रीन पे देख सकता हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। समय ना गंवाएं, क्योंकि समय की वैल्यू हर वो इंसान जानता है जो धनवंतरी में काम करता है, जो रियल जिंदगी में वर्क करता है। हर व्यक्ति को, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपनी पर्टिकुलर लाइफ के अंदर समय का हमेशा बहुत ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए, बिकॉज यही वो चीज है जो वापस नहीं आती। समय, खैर हमारा सब्जेक्ट समय नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है समय पे आना अभी का। एंड वी स्टार्ट विद द सेशन विद इन 1 मिनट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर ज्वाइनिंग। बट जो ज्वाइन हो चुके हैं उनका समय, जैसा मैंने कहा, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट। तो आज हम किस चीज पे बात करेंगे? आज हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? बहुत से दोस्त सोच रहे हैं, एक झलक मैंने अभी दिखाई थी, लेकिन अगेन वी आर बैक टू द पॉइंट के एक्चुअली आज हमारा क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए। वो है बेसिकली कि ये जो महीना मई का है, मई का जो महीना चल रहा है, 10 से लेके 16 तारीख का जो हफ्ता था, वी कैन कॉल अ वीक जो था 10 से 16 मई, दिस इज सेलिब्रेटेड एज अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक। और इस समय जहां पे नो डाउट कि हमारा बेस इम्यूनिटी है, हम इम्यूनिटी पे सबसे ज्यादा काम करते आए हैं, शुरुआत से लेके आज तक करते आए, और आज के दौर में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हम एक ही शब्द के पीछे जब दौड़ते हैं तो बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। ये कई जगहों पर हम कह सकते हैं, वैसे बेसिकली एक ह्यूमन नेचर, जब हम किसी एक चीज के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं तो हम बाकी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, कई चीजों के ऊपर सोचते नहीं। हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये जो कोरोना का, या हम कह सकते हैं कोविड का जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, जिस तरह से अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता जो सामने आ रहे हैं आपके न्यूज में या पेपर में, मैं उन आंकड़ों की बात कर रहा हूं जो लगातार शमशान घाटों में देखे जा रहे हैं, जो डेथ रेशियोज देखे जा रहे हैं। दोस्तों, ये महामारी ने काफी अपने पैर फैलाए हैं। अगर मैं आपसे सिंपल बात करने जाऊं दोस्तों, तो आज जो हम बात करें कि कोरोना काल के अंदर, सिंपली कि कोरोना काल के अंदर जहां पर लॉकडाउन्स लगे हुए हैं बहुत सारी जगहों पे, अभी भी महाराष्ट्र में आई थिंक लॉकडाउन लगे हुए हैं, गुजरात के अंदर इट्स अ लॉकडाउन, सो देयर आर प्लेसेस वेयर आर मतलब जहां पर लॉकडाउन्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, जहां पे लॉकडाउन बेसिकली चल रहे हैं। और काफी जगहों पे आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि आज लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर पे रहना पड़ रहा है, सेल्फ क्वारंटाइन कह लीजिए, सेल्फ आइसोलेशन, तो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, वर्ड आइसोलेशन मतलब अलग हो जाता है, बट सेल्फ क्वारंटाइन कह सकता हूं, या हम घरों के अंदर जिस तरह से अपने आप के बचाव के लिए हैं, या हमें घरों में रहना पड़ रहा है, जिन्हें कोरोना है उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है, इन सभी लोगों के घरों में यानी रहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ताकि ये जो चेन है, ये जो कोरोना से संबंधित चेन है, कोविड से संबंधित जो चेन है, इसको हम तोड़ सके। दोस्तों, इस फैलाव को जितना ज्यादा हम रोकने में सहभागी होंगे, उतना तेजी से देश इस समस्या से बाहर निकलेगा, इस पेंडेमिक से बाहर निकलेगा, इसकी कड़ी बेहतरीन तरीके से टूट पाएगी। लेकिन लोगों के दिमाग में इसी क्वारंटाइन स्टेट के अंदर, या इस हम ये सकते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन का जो स्थिति है, इसकी वजह से लोगों के दिमागों पे भी काफी ज्यादा विपरीत असर पड़ते हैं। और
इसी दौरान लोगों को एक अच्छे मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। हालांकि विदेशों में जहां तक मैंने देखा है, जब मैं गया हूँ या वहाँ विजिट किया है, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के छोटे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो आपको मेंटल सपोर्ट देने के लिए बनाए जाते हैं। भारत में भी है, नो डाउट भारत में भी है, लेकिन भारत जैसा देश जिसमें इतनी ज्यादा जनसंख्या है और बहुत ही ज्यादा जनसंख्या हम कह सकते हैं बाकी देशों के मुकाबले है, ऐसे में गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम भी चलाए हैं, कई सपोर्ट सिस्टम भी बनाए हैं, कई हेल्पलाइंस भी बनाई हैं, लेकिन एक आम आदमी को या तो उसके बारे में पता नहीं होता है, या ज्यादातर वो यूज नहीं करता है, या कई बार वो सपोर्ट सिस्टम ही बहुत बेहतरीन तरीके से कई बार काम नहीं कर पाता। जैसे मैंने कहा कि ओवर पॉपुलेटेड या जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये समस्याएं सामने आती हैं। पढ़े लिखे लोग से हम लोग बात करें कि इलिटरेट पीपल, सभी के अंदर नॉलेज से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कमियां ही बहुत ज्यादा समस्या इस तरह की पैदा करती है। दोस्तों, इस कोरोना काल में इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई डोंट डिनाई, बट न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत 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 जरूरी है, ध्यान दें। अगर हम ये न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल इफेक्ट को साइड पे कर दें और सिर्फ इम्यूनिटी पे चलते रहेंगे, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट पैकेज ऑफ अ हेल्थ इन कोविड पैंडेमिक, क्योंकि आपका दिमाग एक बहुत ही जबरदस्त पावर हाउस है, ये गजब का पावर हाउस है दोस्तों, और ये आपके, यानी कि आई कैन से कि आपके शरीर को जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा काम करने में हेल्प करता है या मदद करता है। यानी कहने का सिंपल मतलब ये आता है कि आदमी, आप देखिए कई बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़ी से बीमारी बीमारियां हमने कई ऐसी यानी कि पढ़ी हैं। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, आई होप सभी दोस्तों को। जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऋषिकेश जी। तो यानी कि हम जो बात कर रहे हैं कि आज के डेट में बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारा जो दिमाग है वो एक बहुत ही जबरदस्त पावर हाउस है, हमारे दिमाग ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, इतना जबरदस्त सुपर कंप्यूटर्स बना डाले कि जितना हम नहीं सोच सकते पर सेकंड उतना ज्यादा कंप्यूटर सोच सकते हैं, हजारों चाले चेस में चल सकते हैं, हजारों मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, और कमाल की बात देखिए फिर भी इंसान उसको हराने की ताकत रखता है। ये दिमाग की पावर है, ये दिमाग की पावर है, और इसी दिमाग की मदद से हम पूरे शरीर को एक बेहतरीन कंट्रोल सिस्टम के अंदर रखते हैं। जब ये पावर हाउस हमारा बेहतरीन रहता है तो हमारा शरीर एक बहुत ही खूबसूरत काम करता है, हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ देते हैं, बड़े से बड़े युद्ध लड़ लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम बहुत यानी कि जबरदस्त तरीके से ये समझ सकते हैं कि वहां पे हम लोग बहुत, एक सेकेंड, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो कहने का सिंपल मतलब है यहाँ पे कि जब हम कोविड-19 की आज बात कर रहे हैं, कोविड-19 की महामारी के वजह से बहुत सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर देखी गई है, खास करके हर उस तरह के, या हम कह सकते हैं हर उम्र के सभी प्रकार के लोग, पुरुष, महिला, बच्चे, हर कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा साइकेट्रिक प्रॉब्लम को देखा गया है या उनको फील ऑफ किया गया है। आज की डेट में अगर हम बात करें हेल्दी लोगों की, यानी वो कैटेगरी जो स्वस्थ है, जिसे अभी कोरोना नहीं हुआ है, उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस कोरोना महामारी में ज्यादातर हर वर्ग के लोगों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। इन्हीं स्वस्थ लोगों की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस उनके अंदर, यानी कि कोरोना वायरस का जो ये समय है, उनके अंदर कई साइकेट्रिक पैदा करता है जिससे काफी विपरीत असर देखे गए हैं। देखिए, स्वस्थ लोगों के अंदर इस बीमारी को लेकर काफी ज्यादा डर देखा गया है, और यह डर लाजमी भी है। जिस तरह से ये मतलब काफी खतरनाक सिद्ध हुआ, ये डर लाजमी भी है। कोरोना अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है, शुरुआती दौर से लेके आज तक इसके कई फेसेस देखे गए हैं, यानी कि इसके वेरिएंट्स देखे गए हैं। हाँ, वेरिएंट्स पे आते ही चलिए उसको तो मैं अभी जब हमारे दोपहर के और शाम के मीटिंग्स होते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट वेरिएंट्स देखे गए हैं, डिफरेंट उसके इम्पैक्ट देखे गए हैं, डिफरेंट उसके यानी कि आप कह सकते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स देखे गए हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें इस बेसिकली पैंडेमिक में मेंटली अफेक्ट करती है। इनफैक्ट उससे बचने के जो रास्ते हैं
वो बहुत हद तक मानसिक तौर पे असर डालते हैं। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आपको लोगों से दूरी बनानी है, आप लोगों के ज्यादा करीब नहीं जा पाते, आप लोगों से ज्यादा हाथ नहीं मिला पाते, आप उनसे ज्यादा गले नहीं मिल सकते, और उनको हाथों को सैनिटाइज करना, चीजों को छूते ही सैनिटाइज करना, किसी व्यक्ति को छूते ही सैनिटाइज करना, ये हमारी आम जिंदगी का भाग नहीं है। इसीलिए ये चीज करते रहने के लिए हमें अपने दिमाग को कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्शंस देते रहना पड़ता है, और यही सारे इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूअसली जब दिमाग की तरफ जाते हैं तो हमारे दिमाग को एक आम जिंदगी जो रेगुलर लाइफ चल रही है उस ट्रैक से हटके काम करना पड़ता है, और यही न्यूरोलॉजिकल या मेंटल बैलेंस बनाना हमारे दिमाग के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों इसका काफी ज्यादा विपरीत असर भी आता है सोच में, समझ में, एक्शन में। हम बाहर नहीं निकल पा रहे या कुछ भी घर में ला रहे हैं, उन सभी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं, स्वयं को सैनिटाइज करना पड़ता है, हाथों को सैनिटाइज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा, ये आम जिंदगी से हटके जो भी चीज होती है ये हमारे शरीर के अंदर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। इसके अलावा जैसे कि लॉकडाउन के जो सिचुएशन आती है ना दोस्तों, जहां पर लोगों को घरों में रहना पड़ता है, एक तरह से बंद रहना पड़ता है, एक तरह से एक ऐसे माहौल न बदलने की वजह से भी काफी असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भारत के कई युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जिन्होंने कभी इसको देखा नहीं था, फील नहीं किया था, युवा तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो सीनियर एज के लोग हैं, इन्होंने भी लॉकडाउन को नॉर्मल आम आदमी ने देखा नहीं है इस तरह का कभी भी, जो पहली बार भारत में इतना जबरदस्त तरीके से इस यंग जनरेशन ने देखा, तो उनको इसके साथ कोप अप करना बहुत मुश्किल पड़ा क्योंकि उनके आम जिंदगी का भाग ही नहीं है। इसीलिए जो चीज आपके आम जिंदगी में कॉमन नहीं होती उसे कॉमन बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, और यही हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स चालू होती है, मेंटल इफेक्ट्स चालू होती है, और लोगों को प्रभावी रूप से काफी गहरी भी हो जाती है, कई समस्या भी पैदा करती है। इसी COVID-19 महामारी के चलते लोगों ने अपने करीबियों को खोया, कई सदस्य परिवार के सदस्यों को खोया, बचपन के दोस्तों को खोया या रिश्तेदारों को खोया। इन सबके बीच इस तरह की समाचार सूचनाएं ये होते देखना, ये सब चीजें हमारे दिमाग के लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करती है। बहुत ज्यादा जिम्मेदार है ये सारी न्यूजेस, ये सारी जो डेथ की न्यूजेस आ जाती हैं। इनफैक्ट अभी मैं आगे आपसे उस पर भी बात करने वाला हूं, लेकिन इन इस कोरोना काल के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि इस बीमारी के चलते अस्पतालों से संबंधित समस्याओं के ऊपर, जैसे कि किसी व्यक्ति के परिवार को कोई सदस्य कोविड की महामारी के अंदर क्रिटिकल हो गया, वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा है, हॉस्पिटल में समझो फॉर एग्जांपल या बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, या वो मिल भी गया, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन कोविड आईसीयूज के अंदर, कोविड जो आपके बेसिकली जो सेंटर्स होते हैं उसके अंदर आप फ्रीक्वेंटली आराम से आ जा नहीं सकते अपने पेशेंट के पास। तो ये एक वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को लाचार मानता है, वो कुछ नहीं कर सकता, देयर इज नो वे आउट, और यही चीज जो उसके शरीर में कंटिन्यूअसली एक सेंस ऑफ मेंटल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा पैदा करती है। दोस्तों ये काफी मतलब के टची शब्द, ये टचिंग लाइंस होंगी या दिल को छूने वाली बात हो सकती है कि कई बार किसी व्यक्ति के परिवार में या किसी परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कोविड प्रोटोकॉल्स के अंडर उन्हें अंतिम दर्शन भी नहीं मिल पाते कई बार, क्योंकि बॉडी हैंडओवर्स नहीं की जाती है। इस कंडीशन के अंदर भी एक बहुत मानसिकता पे असर पड़ जाता है और गहरा असर पड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर मैंने बात करी है, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रेस जब चलता रहता ना इस तरह का, ये लॉकडाउन में हम लोग बंद हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हम कहें तो जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न करती हैं, खास करके हमारे दिमाग के। जैसे हमें बहुत ज्यादा एक तो डर, जिससे घबराहट, हार्ट पेशेंटों के लिए तो वैसे भी अच्छा नहीं है। दूसरा आता है गुस्सा, लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, जब ज्यादा बाहर नहीं निकलते, दोस्तों से नहीं मिलते, परिवार में बंद रहते हैं तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और इसी डर और चिड़चिड़े के अंदर उनके अंदर सैडनेस भी आ जाती है।
साथ में चिंता, कईयों को हाथ ठंडे पड़ने लग जाते हैं, कईयों को ऐसा फील होता है कि मेरे अंग बहुत बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी समस्याएं लोगों के अंदर देखी जाती है। फ्रस्ट्रेशन, जिसको मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कईयों को भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है, ताकत शरीर में कम लगने लग जाती है, कुछ करने की डिजायर जो होती है, जो काम करने का मन होता है वो कम होने लग जाता है, और इंटरेस्ट कम होने लग जाते हैं। यानी कि उनका जो हम कह सकते हैं किसी चीज के अंदर जो चाव या लगाव होता है वो भी कम देखा होने लग जाता है, ऐसा देखा गया है। डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो कमजोर पड़ जाती है। साथ ही साथ रातों को नींद नहीं आती, कई लोगों को भयानक सपने आने लग जाते हैं, और कई फिजिकल कंडीशन भी इसी ब्रेन की वजह से, इसी स्ट्रेस की वजह से होती है, जैसे कंटिन्यूअसली सिर दर्द होता रहना, शरीर में दर्द होना रहता, पेट की तकलीफें, त्वचा के ऊपर रैशेस, और जिनको क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है उनकी तो वैसे भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो कई दोस्तों को जैसे कि शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, ये बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस की वजह से, चिंता बढ़ती है, शराब का सेवन बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, सिगरेट का सेवन बढ़ता है। वैसे शराब पीने वालों के लिए तो कहा जाता है कि बहाना ही चाहिए होता है, दुखी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, दे कंज्यूम इट। लेकिन स्ट्रेस में इट इज नेचुरल के वो लोग इसको इंक्रीज कर देते। एनीवेज ये तो दूसरी बात हुई, लेकिन कहने का मतलब है अगर आपके घर में बड़ी उम्र के लोग हैं, एल्डर हैं, सीनियर सिटीजन है, या जो पहले से बीमारी से पीड़ित है, उनके प्रति हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा सजग रहने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कोरोना का ये कोरोना का जो काल है, ये महामारी है, उसके अंदर इनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये हम देख सकते हैं। और कई जगहों पे ये बातें भी पता चले कि इस महामारी के दौरान सीनियर सिटीजन और किसी भी बीमारी पीड़ित लोग है, इनके अंदर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल बदलाव देखे गए हैं। जैसा एक तो चिड़चिड़ापन और दूसरा चिल्लाने का, चिड़चिड़ाहट के साथ चिल्लाना, गुस्सा होना, और साथ में उनके सोने और खाने की जो हैबिट्स हैं, जो तरीके हैं, वो भी चेंज होने लगे। इनफैक्ट इमोशनल आउटबर्स्ट, यानी कि कई लोगों को आपने देखा होगा आपके परिवार में, जो आपके सीनियर लोग हैं या जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके अंदर इमोशनल चीजें बहुत ज्यादा आने लग गई, काफी ज्यादा इमोशनली सोचने लग गए हैं, और ये इमोशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट लेके आता है। तो ये कहने की सिंपल बात हमारे सामने आती है कि आज की डेट में हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि सही तरह का मेंटल हेल्थ सप्लीमेंट ले। अपने मेंटल हेल्थ सप्लीमेंट में खास करके दिमाग को शांत रखने वाले, रिलैक्स रखने वाले ऐसे सप्लीमेंट्स जो आपको साइड इफेक्ट्स न दे, इन सप्लीमेंट्स को अपने शरीर का या अपने जिंदगी का इस वक्त भाग बनाए इस पेंडेमिक के दौरान। दोस्तों जब हमारी ये मीटिंग होती है, खास करके मैंने अपनी मीटिंग्स में ये देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ज्वाइन होते हैं, कई हेल्थ वर्कर्स ज्वाइन होते हैं, कई पीपी किट में बैठ के डॉक्टर्स इस लेक्चर को सुन रहे होते हैं। मैंने कई मीटिंगों में देखा है जब वो आते हैं, मीटिंग रेगुलर अटेंड करने आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सारे दोस्त इस यानी मीटिंग हर कंडीशन में अटेंड कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल के अंदर हेडफोन लगा के ऐसे पीपी किट के अंदर से डाले हुए, ब्लूटूथ डाले हुए ऊपर पैक पे, और वो सुन रहे हैं, तो हमें इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब अगर मैं हेल्थ वर्कर्स की बात करूं, जहां पे क्लिनिकियंस हैं या हमारे क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंटों के साथ या कोविड पेशेंटों के साथ काम कर रहे हैं, आप सोचिए ये जो कोविड 19 की महामारी है, कोविड 2019 की, कोविड 19 की जो महामारी है, जहां पे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस, अटेंडेंट्स, क्लिनिकल केयर मैनेजमेंट पीपल, इन सभी के ऊपर दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ सकता है। आज की डेट में उनका सबसे बड़ा एक डर तो यह भी होता है कि हम अपनी सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं हमें कोरोना का इन्फेक्शन ना हो जाए। इस चिंता के चलते उनके दिमाग के अंदर एक ट्रॉमा, मैं कह सकता हूं एक डर का ट्रॉमा बन जाता है, या कंटिन्यूअसली बैक ऑफ द माइंड वो चलता ही रहता है, ये कंटिन्यूअसली स्ट्रेस दिमाग के अंदर चलता रहता है। प्रोटेक्टिव गियर्स, पीपीई किट पहन के काम करना लगातार, और वो भी घंटों तक काम करना, दोस्तों ये आसान नहीं। कई जगहों पे हमारे हेल्थ वर्कर्स के पास प्रोटेक्टिव गियर समय पे नहीं मिलते या पहुंचते, तो उन्हें बिना प्रोटेक्टिव गियर्स, बिना पीपी किट, बिना सेफ्टी किट्स के भी काम करना पड़ जाता है। अनसर्टेन है, 10 ही पेशेंट आएंगे ऐसा बोल ही नहीं सकते,
सटासट एम्बुलेंसेस आ रही है, 10 के 20 भी हो जाते हैं, 50 भी हो जाते हैं, 100 भी हो जाते हैं, लोड इतना बढ़ जाता है कैसे कोप अप करें, स्ट्रेस के मारे दिमाग फटने को हो जाता है, इतना स्ट्रेस ये मेडिकल मैनेजमेंट अपने ऊपर लेके बैठा है। दोस्तों हमें इनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, खास करके कई बार जब ये खुद बीमार पड़ जाते हैं और इनको इन्हीं के हॉस्पिटल में इजीली बेड नहीं मिल पाता है, इनको भी सेल्फ आइसोलेशन करने पड़ते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट घरों पे करने पड़ते हैं, इनसे भी कहा जाता है जब आप क्रिटिकल हो तब आप हॉस्पिटल आ जाना, हालांकि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन इनके साथ भी आती है, इनके ऊपर भी मेंटल ट्रॉमा पैदा होता है। दोस्तों ये जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं इनके 2020 में, 19 से चालू हुआ, 2020 का जो साल था, हमने कई जगहों पे ये देखा कि कई लोग हेल्थ वर्कर्स से ही दूरी बनाने लग गए। जब वो ड्यूटी वर्क करके अपने घर जाते थे, जब ये हेल्थ वर्कर्स ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाते थे तो उनके परिवार के लोग, उनकी सोसाइटी के लोग कई जगहों पे उनसे दूरियां बनाने लग गए, उनको घरों में नहीं आने से रोक रहे थे, घर में आने से रोक रहे थे। हमने ऐसे भी वीडियोस देखे जहां पे लोग, कई डॉक्टर्स अपनी कारों के अंदर ही सो रहे थे, कई डॉक्टर्स नर्सेस इस चिंता से कि हमारे घर में बीमारी ना चली जाए वो हॉस्पिटलों में ही सो रहे, बैठ रहे, उठ रहे, नहा रहे, कपड़े बदल रहे और वहीं काम कर रहे। इतना स्ट्रेस हमारी मेडिकल लॉबी लेके चल रही है। दोस्तों आज भी ये चीज प्रिवेलिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार ये भी होता है कि इन लोगों को अपने घर की चिंता के साथ साथ इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, ये भी उनके लिए नेगेटिव ट्रोल का काम करता है। COVID-19 की इस शुरुआती दौर में हमने ये सब तो देखा, लेकिन इसी मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक देशव्यापी प्रोग्राम किया था जिसमें सभी से कहा था कि उनके लिए तालियां बजाएं, या आपके पास कोई यूटेंसिल बटन कुछ भी हो उनके लिए वो 5 से 10 मिनट हम लोग ताली बजाएं, क्योंकि जितना मेंटल स्ट्रेस ये लोग ले रहे हैं, हम जिस तरह से भी इनका धन्यवाद कर सके, इनको एक इमोशनल सपोर्ट दे सके, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी और पूरे देश ने किया, और इससे कई मेडिकल प्रोफेशनल्स को अच्छा लगा कि उनके लिए एप्रिसिएशन हो रहा है। दोस्तों ये चीजें इनके मेंटल वर्क के लिए हम लोगों ने करी। ये हेल्थ वर्कर्स को जरूरी होता है कि लगातार काम करने के चलते थोड़ा सा गैप लें, थोड़ा ब्रेक लें, दिमाग को रिलैक्स करें और फिर से पेशेंटों में लगे, पर यह भारत जैसे देश में पॉसिबल नहीं हो पाता। इतनी ज्यादा संख्या, जनसंख्या, उसके ऊपर से लगातार पेशेंटों का इनफ्लो, एक हॉस्पिटल जिसकी कैपेसिटी 50 है तो वहां 500 पेशेंट आ रहे हैं, कैसे डॉक्टर हैंडल कर पाएंगे। इनकी हम दाद देते हैं, भारतीय डॉक्टर्स की कमाल का एफर्ट सिस्टम है, भारतीय मैं कह सकता हूं कि पूरा इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर या जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर काम कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, सभी लोग अपनी हिम्मत जुटा के काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में इन हेल्थ वर्कर्स के मेंटल ये कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, बेहतर रखने के लिए सही प्रकार के मेंटल या न्यूरोलॉजिकल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत है, और यही धनवंतरी समझता है, इसलिए आज हम इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। आपको एक सिंपल छोटा सा डेटा देता हूं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, हमारा मेन सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना है, तो वो है जैसे मैं आपसे एपिडर्मोलॉजी के ऊपर बात करता हूं, यानी महामारी का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वहां पे चाइना के अंदर हॉस्पिटल बेस्ड फिजिशियन और नर्सेस के ऊपर, चाइना बेस्ड हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियन एंड नर्सेस इनके ऊपर अध्ययन किया गया, और इटली के अंदर फ्रंट लाइन और सेकंड लाइन हेल्थ वर्कर्स के ऊपर अध्ययन किया गया। वहां पे ये देखा कि 12 से 20% जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनके ऊपर एंजाइटी ने बहुत ज्यादा असर दिखाया, यानी कि उनके अंदर एंजाइटी पाई गई। 15 से 25% हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन सेकंड लाइन हेल्थ वर्कर्स के अंदर डिप्रेशन पाया गया। 8% हेल्थ वर्कर्स के अंदर इंसोमेनिया, यानी कि सोना चाहते हैं सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। इनफैक्ट 35 से 50% के अंदर ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस, यानी कि ये ओवरलोड की वजह से दिमाग क्या करे, क्या नहीं करे, कैसे हैंडल करे, कैसे नहीं करे, समझ ही नहीं आ रहा, बुरी हालत हुई पड़ी। दोस्तों ये बहुत सारी जो हम बातें कर रहे हैं ये हेल्थ वर्कर्स के बारे में, हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे आसपास कोई भी हेल्थ वर्कर हैं जो भी किसी भी तरह से इस कोरोना महामारी में अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनके मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें सही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पहुंचाया जाए, उनको इसके बारे में अवगत कराया जाए, उसको इनको इस बारे में बताया जाए। दोस्तों
इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है जहां पे हम लोग देखते हैं कोविड सस्पेक्टेड लोगों के ऊपर। यहां पर अगर हम बात करें तो जिनके ऊपर कोविड का सस्पेक्शन है, यानी कि अगर आपको सर्दी खांसी हो गई, अगर आपको बुखार आ गया, तो आपको पहले तो स्वयं पे शक होना शुरू होगा और आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे सिंपल कहने वाला है अपना कोविड रिपोर्ट कराओ। अब रैपिड तो यहाँ पे काम आने वाला नहीं है, आपको आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा और आरटीपीसीआर कुछ कुछ जगहों पे जल्दी रिपोर्ट आ रही है लेकिन अभी भी मैक्सिमम जगहों पे 12 घंटे 24 घंटे या 36 घंटे ले रहा है। 12 24 36 घंटे उस आदमी को कंटिन्यूअसली मेंटल स्ट्रेस में बैठा रहना पड़ता है क्योंकि उसे आइसोलेट कर दिया जाता है, उसे इमीडिएटली अपने आप को अलग रूम में बंद कर देना है, वहां पे उसे बैठे रहना है और ये कंटिन्यूअसली आइसोलेशन उसके दिमाग पे बहुत विपरीत असर डाल। साथ ही साथ वो 12 24 36 घंटे जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही, कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे को रिपोर्ट दी, दूसरा दिन संडे रिपोर्ट नहीं आई, मंडे को आएगी, ये 3 दिन का जो उसका समय है ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। और माफ करिएगा इस लाइन को जो मैं यूज कर रहा हूं कि पिछले साल हमने ये भी देखा कि जब कोरोना की शुरुआत थी इसी टेंशन के चलते डर के चलते कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना ये बहुत खतरनाक लेवल तक इंसान को ले जा सकता है। हमें इनके साथ फोन पे व्हाट्सएप पे अच्छी तरह से बातें उनको समझाने की करनी चाहिए ताकि वो मेंटली रिलैक्स रहे, लेकिन सप्लीमेंट हेल्थ के लिए यानी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। दोस्तों जिनके परिवार के कोई व्यक्ति चले जाते हैं ना वो भी काफी ज्यादा इस एग्नि में रहते हैं, उनके लिए भी आपको सही सही मेंटल सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट्स का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। जिन पेशेंटों के ऊपर ऑलरेडी COVID-19 हो गया है यानी कि जो कोरोना के पेशेंट है उनका तो ट्रोमा सबसे हैवी होता है, सबसे ज्यादा उनको यही होता है ना कि मैं तो यार ऑलरेडी कोविड का पेशेंट हो गया हूं। उनके दोस्तों के लिए भी ट्रोमेटिक तो होता है लेकिन वो सबसे ज्यादा ट्रोमा में होता है। कई दोस्त उनको ऐसी इलॉजिकल ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं, यानी कि आप देखिए ना, मैंने बीच में एक पोस्ट डाली थी कि अगर हमारे देश में 1 करोड़ आदमी बीमार होगा ना तो 2 करोड़ इलाज बताने वाले मिल जाए। हालांकि मैं इसकी कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं लेकिन कोई भी चीज जब बताई जाए तो वो साइंटिफिकली बैक्ड अप होनी चाहिए, ना कि किसी का व्हाट्सएप का मैसेज आया और उसको हमने पढ़ के उसको इलाज बताना शुरू कर दिया, नॉट लाइक दैट। एक साइंटिफिक बैकअप उसके पीछे अगर मिलता है तो डेफिनेटली हम उस पर बात कर सकते हैं। तो कई ऐसे जो लोगों के सजेशंस आने लगते हैं जो इलॉजिकल होते हैं ये भी उनके लिए समस्या पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं, प्रॉब्लम्स कई बार उससे बढ़ भी जाती है। तो पीपल जो क्वारंटाइन में रहते हैं यानी क्वारंटाइन से जब वो बाहर आते हैं ना तब भी उनका मेंटल इफेक्ट काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। जैसे कई समय तक अकेले 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 रूम में बंद है, जैसे ही बाहर आते हैं आउटवर्ड वर्ल्ड के अंदर और लोग उनको किस तरह से वेलकम करते हैं उस पर भी डिपेंडेंट है, दूसरा वो लोगों को किस नजरिए से देखते हैं उसके बाद उस पर भी काफी असर पड़ता है उनके यानी मेंटल इफेक्ट का असर पड़ता है। दोस्तों इस तरह से हर एज ग्रुप के अंदर बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी के अंदर ये जरूरी है कि हम इस चीज का ध्यान रखें। इनफैक्ट इसमें भी अगर मैं एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जो ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जो COVID-19 के पेशेंट थे इनको जब एडमिट किया गया तो इनके ऊपर जो रिसर्च की गई उसमें यह पाया गया कि 70% लोग काफी ज्यादा एजिटेशन में थे लेकिन 65% लोग कंफ्यूजन में पाए गए, उनको समझ ही नहीं आ रही थी चीज, कंफ्यूज फील हो रहे थे क्योंकि स्ट्रेस दिमाग पे इतना हैवीपन डाल दिया। कईयों के अंदर न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो हम इंपेयरमेंट देखते हैं यानी कि कुछ भी एक्शन लेना, इमीडिएट एक्शन लेने हैं या दिमागी तौर पे सोच के जो रिस्पांस करना है, 33% लोगों में ये कम पाया, कम हो गया। दोस्तों इसलिए हम मैं ये न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पे ज्यादा बात करना चाह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, क्योंकि ये तो हमने बात करी जो ARDS के पेशेंट थे जो यानी कि क्रिटिकली एडमिट हुए थे, लेकिन जो नॉर्मल भी कोविड के पेशेंट हुए थे ना उनके अंदर हम बात करें सिंपली तो उनके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च की गई और उसमें यह पाया गया कि 60% न्यूरो, आप कह सकते हैं कि साइकेट्रिक, न्यूरो साइकेट्रिक सिम्टम देखे गए, जैसे कि एंजाइटी है या हम कह सकते हैं डिप्रेशन है, डिजीनेस है, इनफैक्ट हेडेक है, नींद ना आने की समस्या जिसे हम इंसोमेनिया के तौर पर देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें लगभग 60% एडमिटेड पेशेंट्स के अंदर देखी गई। इनफैक्ट 20% जो COVID-19 के पेशेंट थे उनको मेंटल इश्यू देखे गए जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और डिमेंशिया यानी बातें भूलने की समस्या, बात बोलने के बाद बात भूलने की या थोड़े, ये स्ट्रेस इतना हावी हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हमें सही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हमारे इस स्ट्रेस हॉर्मोन्स को कंट्रोल करे, कॉर्टिसोल्स को बढ़ाए, इनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं लास्टली आपसे बात करना चाहूं
इनके इफेक्ट्स के ऊपर, तो आता है हमारे यहाँ पे बच्चों के ऊपर। देखिए हम लोग अगर बात करें तो हेल्दी स्वस्थ चिल्ड्रन यानी कि जो बेहतरीन स्वस्थ बच्चे हैं, दूसरी और तीसरी वेव अभी भी आने की बात चल रही है, दूसरी तो हमारी चली रही है, तीसरी की आने की बात चल रही है, और तीसरे में बोल रहे हैं कि बच्चों के ऊपर इफेक्ट होगा या बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, इस तरह से बोला जा रहा है। व्हाटएवर इट मे बी, दिस इज फ्यूचरिस्टिक, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो आज बच्चे भी लॉकडाउन में घरों के अंदर बंद है। इसकी वजह से इनके बिहेवियर चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कोविड 19 के पैंडेमिक में जो बच्चे घरों में बंद है, जैसे उनके हम लोग बिहेवियर चेंजेस देख रहे हैं, कई बच्चे उदास से घूमते हुए दिखते हैं, कई डिप्रेशन में लगते हैं, कई चिंता में लगते हैं। आप देखिए ना, जब आप बाहर जा रहे होते हैं, अभी जैसे मेरा छोटा सा भांजा है, जब मैं किसी काम से बाहर निकलता हूं, वो मुझे हमेशा बोलता है, मामा मास्क पहना आपने, मास्क पहना है ना आपने, ग्लव पहने ना आपने, पहन के ही जाना जाते वक्त। ये बच्चे हमारी चिंता कर रहे हैं, माता पिता की चिंता कर रहे हैं, इनके ऊपर भी स्ट्रेस हावी है, कईयों में उदासीनता बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है, अटेंशन पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे वो बाहर खुले साइकिलें चलाते थे, खेलते थे, कूदते थे, क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी, व्हाटएवर जो भी वो गेम्स खेलते थे, सब पे एक स्टॉप आ गया पिछले 1.5 साल से। बहुत मेंटल इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते, बहुत मेंटल इफेक्ट पड़ता है, ये बच्चों के ऊपर हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड हेडेक चालू हो गए, कई बच्चों को सिर दुखता रहता है, शरीर में दर्द बने रहते हैं, और खाने की चीजें, उनकी खाने के तरीके भी चेंज हो गए, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई। तो ये बच्चों के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, खास करके उन बच्चों के लिए अगर किसी को अस्थमा है या फेफड़ों की समस्या है, जिन बच्चों को डायबिटीज है, जेनेटिक या न्यूरोलॉजिकल या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, सिकल सेल की प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या बचपन से पैदा होने के साथ है, इन सभी के अंदर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीजों को देखते हुए ही धन्वंतरी ने जो अपने प्रोडक्ट्स कई वर्ष पहले बना दिए, आज इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी हर कैटेगरी, बच्चों से लेके बूढ़े तक, बड़े से लेके छोटे तक, स्वस्थ से लेके बीमार तक। आज हमारे दिमाग के न्यूरोलॉजिकल जो हम कह सकते हैं सप्लीमेंट है या हमारे सपोर्टिव प्रोडक्ट है, उनके अंदर बहुत खूबसूरती से बहुत जरूरी तौर पर आता है स्मृति रिच, नुरायो रिच, ग्रीन टी, कार्निकोटेन। मैं ये चार चीजों को ले रहा हूं क्योंकि समय की अवधि हमारे पास कम रहेगी और इसी समय अवधि के अंदर हम कितने प्रोडक्ट को देख पाएंगे ये भी हमें देखना है। हमारे पास सीमित 60 मिनट है जिसके अंदर हमें ये बात करनी है। दोस्तों आज बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अहमदाबाद में, हमारे गुजरात के अहमदाबाद में एक 14 साल के लड़के के या बच्चे के अंदर ब्लैक फंगस मिली है। ब्लैक फंगस पूरी दुनिया में इस वक्त इसका शोर मच रहा है, भारत में बहुत ज्यादा, लेकिन 14 साल के बच्चे के अंदर अहमदाबाद में पहला केस आया कल और ये सारे न्यूज चैनल्स में आ गए। दोस्तों बच्चों को लेके जितनी भी भविष्यवाणियां अगर सच होने वाली हैं या ये थर्ड इंपैक्ट आने वाला है, तो अभी से हमें अपने स्वयं के दिमाग न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स और बच्चों के दिमाग और उनके फिजिकल हेल्थ, इन सभी के ऊपर काम करना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास इम्यूनिच है, फिजिकल मेंटल सब कुछ है, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये जो चार प्रोडक्ट आज सामित किए हैं, इनमें से देखता हूं कि मैं कितने प्रोडक्ट्स पे आप पे बात कर पाऊंगा। अगर आज नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, हम लोग डेफिनेटली जो अपना सेशन करते हैं रोज 2 बजे 7 बजे उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बच्चों का, हमारा खुद का, दिमाग का, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। मैं सभी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हैंड रेज मत करिए, क्योंकि अभी ये सेशन इंटरएक्टिव नहीं है, मतलब हम आमने सामने बात नहीं करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड अ यूट्यूब चैनल, यानी कि एक साइड का सेशन है जहां पे मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर्स वाले सिलसिले होते हैं वो हम अपने 2 बजे और 7 बजे वाले प्रोग्राम में करते हैं, वहां आप सवाल रख सकते हैं। फिलहाल दिस इज ओनली वन साइड। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है स्मूथ रिच। दोस्तों ये जो स्मूथ रिच प्रोडक्ट अपन ने तैयार किया है, कई दोस्त ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चों के लिए है, जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे समग्र मानसिक विकास के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए है। बच्चों के अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के समग्र मानसिक विकास तथा उनके शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद ऐसी जड़ी बूटियां जो आयुर्वेद में दर्शाई गई हैं और जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर के मापदंड या गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोगों ने इसके अंदर यूटिलाइज की है। दोस्तों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है नगर मुक्त। आज कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर हम ये देखते हैं कि एक समस्या है जहां पे दस्त लगना या पेट स्वस्थ ना रहना,
दूसरा कोरोना का सिंपल सिम्टम हम लोग बिलीव करते हैं, इट इज फीवर, बुखार आना। तीसरा होता है डाइजेशन का प्रॉपर न रहना। तो ये सारी चीजों में नगर मुत्था एज पर द आयुर्वेदिक सिद्धांत इस पाया गया है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो बड़े से लेके बच्चों तक सभी के अंदर ये डायरियल सिम्टम्स को थोड़ा सा सब्सिडाइज करेगा नगर मुत्था होने की वजह से, फीवर कंट्रोल करेगा और डाइजेशन को प्रबल करेगा। आज जैसे मैंने बात करी, बच्चों की जो ईटिंग हैबिट खराब हो रही है या ईटिंग हैबिट ठीक नहीं हो पा रही या उनके न्यूट्रिशनल जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे, तो ऐसी ऐसी स्थिति में भी उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके अंदर शंख पुष्पी को हमने डाला है। देखो, शंख पुष्पी एक आयुर्वेदिक ड्रग है जो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्शन के लिए मानी जाती है। ये हमारे लर्निंग एबिलिटी यानी कि कुछ समझने की और याद रखने की, लर्निंग एबिलिटी एंड मेमोरी, इन दोनों को कई जगहों पे प्रूव कर चुके हैं, जैसे कई टेस्ट से प्रूव कर चुके हैं। लगभग 26 स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस इसके बारे में अवेलेबल है कि किस तरह से ये शंख पुष्पी हमारे दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पोषण को थोड़ा ताकत देने का काम करती है। दोस्तों, इसमें एक बहुत खूबसूरत घटक है जिसे हम कहते हैं नीरब्रह्मी। नीरब्रह्मी अगर हम बात करें तो आज के डेट में हमारे हेल्थ वर्कर्स से लेके घरों में बैठे लोगों के लिए बहुत जरूरी तौर पर सामने आएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने में शरीर की बहुत ज्यादा मदद करती है। खास करके कॉर्टिसोल लेवल जो हमारे शरीर में होते हैं या खास करके ब्रेन में होते हैं उनको कम करती है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, और उसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर रिलैक्सेशन प्रोसेस बढ़ता है, दिमाग को शांति मिलती है और एक यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन शरीर के अंदर एक फीलिंग आने लगती है। नीर ब्रह्मी का स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल फीचर जो है, बेसिकली रिसर्च में ये बताया गया है कि शरीर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिमाग पे काम करता है। इसलिए हमारे आसपास जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, क्लिनिकल स्टाफ्स हैं, इनको आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करिए, क्योंकि यही नीर ब्रह्मी की बात करें तो ये हमारी मेमोरी को बूस्ट करने के साथ साथ पॉजिटिव इफेक्ट देता है हिप्पोकैलेमस के पार्ट के ऊपर ब्रेन के अंदर। दोस्तों, यही हिप्पोकैम्पस का जो पार्ट है हमारे ब्रेन में, ये बेसिकली इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, यानी कि हमारी जो हम बात करते हैं कि रिएक्टिव मैनर होता है, जिस तरह से बात को समझना और उसका रिएक्शन देना, या हम बात करें कि किसी भी चीज को जल्दी समझना, कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी चीज की तरफ हमारा जो ध्यान है केंद्रित करना, और उसके अलावा याद शक्ति जिसको हम मेमोरी कहते हैं, इसे प्रबल तरीके से बढ़ाना उसमें काम करता है। ब्रह्मी जो रेगुलरली अगर कंज्यूम करी जाए तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। दोस्तों, जैसे मैंने चार तस्वीर आपको दिखाई तो आप सोच रहे होंगे कि चार तस्वीरों में इम्यूरिज को तो हमने दिखाया नहीं सामने। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है कि गौ पीयूष इसका एक प्रमुख घटक है। ऑलरेडी गौ पीयूष इसका एक प्रमुख घटक है तो इम्यूरिज ऑलरेडी इसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंक्लूड इम्यूरिज के ऊपर मैंने बात नहीं करी, इनफैक्ट स्मृति रिज के अंदर ही इम्यूरिज को कंज्यूमिंग तौर पे सामने बता दी। ज्योतिषमती इसके अंदर डाली गई है। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड जर्नल फार्मास्यूटिकल रिसर्च की बात करें तो 10 मार्च 2019 में वर्ल्ड जर्नल फार्मास्यूटिकल रिसर्च में यह बताया गया था कि ज्योतिषमती चरक संहिता के अंदर ज्योतिषमती को मेंशन किया गया है। ज्योतिषमती को 16 मूलिनी द्रव्यों के अंदर बताया गया। ये जो 16 मूलिनी द्रव्य हैं, इसके अंदर बेसिकली ये ज्योतिषमती को इंक्लूड किया गया है, जो हमारे शिरोविचन यानी कि शिरोविरेचन एक शब्द यूज किया जाता है, जिसमें शिरो का मतलब होता है सिर और विरोचन का मतलब होता है बेसिकली आपको दूर करना दर्द, जैसे कि सिर दर्द वगैरह। तो यानी कि मेंटल एबिलिटी के साथ साथ फिजिकल एबिलिटी में भी चरक संहिता के अंदर ज्योतिषमती बताई है। आचार्य चरक ने ज्योतिषमती को एक मुख्य घटक बताया है, कहां पे? चंदनाड़ी तेल के अंदर और अग्रवादी तेल के अंदर। ये तेल सभी तरह के बुखारों में काम करता है दोस्तों, इवन कॉलेरा, जैसे हाई फीवर है, कॉलेरा है, या हम कह सकते हैं कि खास करके अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं तो एपिलेप्सी की समस्या है, जहां पे झटके आते हैं, बेहोशियां आ जाती हैं, ऐसे केसेस के अंदर इसका बेहतरीन रिजल्ट बताया गया है। इनफैक्ट आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है
ये शिरोवरेचन में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। शिरोवरेचन के अंदर वही सिर संबंधित समस्याओं के अंदर, इनफैक्ट आचार्य सुश्रुत ने भी ज्योतिषमती को शिरोवरेचन के तौर पे बताया। यानी कि आप लगातार देख रहे इन सारे ग्रंथों में, इन सारे वेदों में, इन सारी चीजों के अंदर बताया गया है कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। लेकिन जो दो शब्द इसके लिए यूटिलाइज किए हैं वो है स्मृतिवर्धक और बुद्धिवर्धक। दोस्तों स्मृतिवर्धक बुद्धिवर्धक दोनों ऐसे शब्द है जहां पे हमारे दिमाग और हमारे विचार, इन दोनों में ये बेहतरीन पॉजिटिव एस्पेक्ट लाने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होने की वजह से फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, यानी कि स्ट्रेस की वजह से जो रेडिकल पैदा हो रहे हैं उन्हें दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों इसी के अंदर जटामांसी डाली गई है, कमाल की बात है। जटामांसी इज कॉल्ड एज न्यूरोप्रोटेक्टिव और इसके बारे में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड फार्मेसी के अंदर पब्लिकेशन आ चुका है। वहां पे बताया गया है कि जटामांसी के अंदर एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी देखी गई। हालांकि ये एक्टिविटी उन्होंने चूहों पर स्टडी करी थी, ऐसे माइस यानी कि चूहे लिए गए, उनको रेडिएशन के अंदर रखा गया, यानी कि उनके ऊपर रेडिएशन की रेस डाली गई। रेडिएशन जब डाला जाता है शरीर पे तो बहुत विपरीत असर पड़ते हैं, लेकिन जब वहां पे जटामांसी को यूटिलाइज करके उन्होंने ट्रायल लिए तो वहां पे देखा गया कि ये एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे काम कर रही थी। उनकी पूंछों की एक्टिविटी से इस चीज को समझा गया, उनके जो मतलब यू कैन से कि जो भी मूवमेंट्स है उनके एक्शन से ये देखा गया कि वो बेसिकली एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट काम कर रही थी। यही माना जाता है कि जटामांसी हमारे फिजिकल रिलैक्सेशन साइकिक रिलैक्सेशन और मेंटल बैलेंस को बनाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। जटामांसी हमारी याद शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से काम करती है और दिमाग की मैं कह सकता हूं कि प्रबलता या मेंटल अलर्टनेस इनको बढ़ाने के लिए भी बहुत काफी तौर पर बहुत बेहतरीन तौर पर काम करती है। दोस्तों ये भी माना जाता है कि जटामांसी आपके दिमाग के अंदर किसी वजह से अगर दिमाग शांत नहीं रह पा रहा है तो उसकी एंजाइटी और नर्वसनेस में राहत देने के लिए बहुत मदद करता है। तो आज कोविड के समय बच्चों से लेके बड़े, हेल्थ वर्कर से लेके कोविड पेशेंट्स, इन सभी के अंदर ये मदद करेगी। डेफिनेटली इंसोमेनिया को ट्रीट करती है जहां पे नींद नहीं आ रही है, या हम कह सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फैटिग्स है, वहां मदद करेगी। इनफैक्ट दोस्तों दो और घटक जो इसके अंदर डाले गए हैं, एक है कंटकरी जिसको एंटी अस्थमेटिक तौर पे माना जाता है, यानी कि अस्थमा के अटैक्स को रोकने में मदद करता है। जहां पे बच्चों में या बड़े लोगों में जहां पे भी अस्थमा है वहां सपोर्टिव प्रोडक्ट के तौर पे भी इसको यूज किया जा सकता है। हालांकि रेस्पिरिच हमारे पास है बड़े लोगों के लिए, सभी के लिए, बच्चों के लिए खास करके स्मूथरिच वहां पे भी काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से सूजन वगैरह को कम करेगा, इन्फ्लेशन कम करेगा। एंटी टूसिंग होने की वजह से जो आपकी खांसी सर्दी वगैरह होती है इसको थोड़ा सा सप्रेस करने में मदद करता है। इनफैक्ट वचा इसके अंदर डाला गया है, जो वचा है ये तो जाना ही जाता है इंटेलिजेंस और मेमोरी को बढ़ाने के लिए। बच्चों की जो बोलने की क्लैरिटी होती है उसको बेहतरीन करने के लिए, या डिलेड स्पीच जहां पे होती है वहां पे काम करने के लिए, सर्दी खांसी से बचाए रखने के लिए, उसे कम करने के लिए, और जहां पे बच्चों में झटके आते हैं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम्स आती हैं या बेहोशी आ जाती है, वहां पे बहुत मदद करता है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं दैट स्मृति रिच इज एन अल्टीमेट मेंटल एंड इमोशनल रिलैक्सेशन थेरापी। ये एक तरह से थेरापी है ये प्रोडक्ट, इतने बेहतरीन इसके आयुर्वेदिक कंटेंट है और हर व्यक्ति के लिए इंक्लूडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने मेंटल बैलेंस के लिए वो काम करें, नहीं तो ये स्ट्रेस उनके शरीर पे बहुत विपरीत असर डालेगा और उनको कई बीमारी के तरफ भी बढ़ाने में काम करेगा। आज कई हेल्थ वर्कर इंसोमिनिया से पीड़ित हैं, कई डॉक्टर उनके पेशेंटों की चिंता में लगे रहते हैं कि उनकी रिकवरी कैसी होगी, कैसी होगी, कब करेंगे, क्या होगा, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। इस बीमारी में आप कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या होने वाला, कब कौन व्यक्ति बच जाएगा, कब छोड़ के चला जाएगा, कब स्वस्थ होगा, अनसर्टेन, टोटली अनसर्टेन। दोस्तों ऐसे समय में एक चीज सर्टन है कि हम अपने मेंटल बैलेंस के लिए काम करें और उसके लिए स्मूथ रिच बेहतरीन। हालांकि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए टेस्ट अच्छा रखने के लिए चॉकलेट फ्लेवर और इसमें थोड़ा सा मीठा है, इसलिए थोड़ा डायबिटिक पीपल अगर अवॉइड करना चाहे तो डेफिनेटली दे कैन अवॉइड, बट दिस इज बेनिफिशियल फॉर होल कम्युनिटी। दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग अभी ऑलरेडी बात कर रहे थे कि हमें बहुत जरूरी तौर पर काम करता है, वो है नूरायोरिच। यहाँ पे आते हैं नूरायोरिच।
तो ये जो हम न्यूरोरिच के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका एक बहुत ही खूबसूरत घटक है जिसका नाम है ब्रह्मी पंचांग घन, जो इसके अंदर यूज किया गया है। इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। इसको न्यूरोट्रॉपिक ड्रग के तौर पे देखा जाता है। दोस्तों ये जो बेसिकली न्यूरोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं ना, ये हमारे कह सकते हैं कि मेमोरी के जो फंक्शंस होते हैं इन्हें काफी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करता है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम करता है। मेमोरी तो बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, साथ में क्रिएटिविटी की तरफ जो इनके ज्यादा स्कोप होते हैं या जो क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं उनके ब्रेन को ज्यादा बेहतरीन तरीके से उस तरफ और पुश करने में मदद करती है ब्रह्मी पंचांग। इनफैक्ट मोटिवेशन जो हमारे शरीर को मिलना चाहिए, हमारे ब्रेन को मोटिवेशन मिलना चाहिए एक स्वस्थता का, वो पहुंचाने का काम करती है ब्रह्मी पंचांग। और ये मैं बात कर रहा हूँ एज पर द रिसर्च पब्लिश बाय द US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। दोस्तों ये इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि रिसर्च हुई है जिसमें यह बताया गया है कि दिमाग संबंधित समस्या जहां पे अल्जाइमर के डिसीज होते हैं ना दोस्तों, वहां पे भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। जहां पे आप कह सकते हैं स्लीपिंग प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया है, मैंने तो पहले ही कहा कि हम आज मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा हम हेल्थ वर्कर्स और स्वस्थ लोग इन दो को कैटेगराइज करके चल रहे हैं क्योंकि इन पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। वहां पे इंसोमेनिया के अंदर इनफैक्ट मेंटल इलनेस जिनको किसी भी तरह की है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, उनमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। ये जो हमारे पास हमारी आयुर्वेदिक का खजाना है, आयुर्वेद का जो खजाना है उसमें से निकली एक खूबसूरत जड़ी बूटी ब्रह्मी पंचांग घन, जिसको बकुपा मनोरी के तौर पर जाना जाता है, बहुत ही खूबसूरती से हमारे शरीर में, खास करके दिमाग के, इस वक्त हम लोग दिमाग की बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करके बात कर रहा हूँ, तो दिमाग की समस्याओं में इन सभी में मेंटल रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करती है। अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं अगेन के इसी के अंदर जटामांसी रूट घन को भी यूज किया है, जटामांसी यानी कि जो उसकी जड़ें बेसिकली होती है उसका पोर्शन यूटिलाइज किया है। अगर हम बात करें आयुर्वेद के अंदर इसके फैलाव की या इसके नॉलेज की, आयुर्वेद के अंदर इसको किस तरह से प्रभावी तौर पे बताया गया है, तो चरक संहिता की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो चरक संहिता के अंदर इसे सज्जन स्थापना बताया गया है, यानी कि कॉन्शियस रिस्टोरर, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति हल्का सा बेहोश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बेहोश हो जाता है तो जैसे वापिस होश में आना, मैं इसको संजीवनी बूटी नहीं बता रहा हूं फॉर योर जस्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्शियस रीगेनर, जैसे हम क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल देते हैं या कोई भी ऐसी चीज जिसको सुंघाने से आदमी थोड़ी देर के लिए जैसे बेहोशी में जाता है और फिर उसको वापस होश में लाना होता है, जैसे कई बार हिप्नोटिज्म की जो प्रोसेस होती है किसी व्यक्ति को आप एक नींद में ले जाते हैं गहरी नींद में और उसे वापस लाने का काम होता है, उसी तरह से हमारी कॉन्शियस को रिस्टोर करने के लिए चरक संहिता के लिए अंदर इसे सज्जन स्थापना के तौर पर कहा गया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सुश्रुत संहिता, वाघभट्टा, निगंतु, इन सभी के अंदर बताया गया है और ज्यादातर इसको आपके ये सर्दी अस्थमा उसके लिए बेनिफिशियल बताया है। पेशाब संबंधित समस्याएं होती हैं वहां पे अच्छा बताया, लेकिन जहां पे हम आज न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, दिमाग संबंधित जो समस्याएं होती हैं, खास करके नींद ना आने की, इंसोमिनिया की जो समस्याएं होती है, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। दोस्तों ये डिमेंशिया के पेशेंट जो होते हैं जिनकी धीरे धीरे याद शक्तियां कमजोर हो जा रही हैं, बातें भूलते चले जा रहे हैं, नई बातें सिर्फ करते हैं और पुरानी को याद नहीं रहती है, ऐसे हमारे जो दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं या हम स्वयं हैं अगर, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल। दोस्तों जहां उम्र बढ़ रही है सीनियर सिटीजन को देखा जाए तो ये समस्या डिमेंशिया की उनमें कॉमन देखी जाती है और वहां पे हम लोग ऐसी कई बार दवाइयों के प्रयोग पे आ जाते हैं जो अगर हम सही बात करें तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी देती हैं, तो मजबूरी भी है लेना, लेकिन वहां पे ये बहुत ही खूबसूरती से हमारे आयुर्वेद का खजाना है जिसमें साइड इफेक्ट्स की जितनी भी संभावना या बात है वो सारी बहुत कम तौर पे यानी कि हम कम देख सकते हैं। और इनफैक्ट इंपॉर्टेंट ये आता है कि जब एक और घटक इसके अंदर बात की जाए जो है देवदार रूट चूर्ण यानी देवदार की जड़ों का चूर्ण, जिसे हम सेट्रस देवदार भी कहते हैं, वो इसके अंदर बेसिकली यूज किया है। तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग की बात करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये एंजाइलोटिक कहा जाता है, देवदार एंजाइलोटिक है यानी कि ये हमारी एंजाइटी जो होती है ना उसको कम करता है। अब जब कोरोना कराए हुए व्यक्ति अपने रिपोर्ट की वेट कर रहा है उस समय उसकी एंजाइटी बहुत बढ़ रही है,
ऐसे समय में ये पर्टिकुलर घटक उसके लिए बहुत मदद करेगा, उसके दिमाग को शांत करेगा। इसको न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी के लिए भी माना जाता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर टेंशन जो होती है, नर्वस टेंशन जो होती है, उसे सब्सिडाइज करना, डिप्रेसिंग इफेक्ट देना नर्व फंक्शन को, ताकि आपका जो नर्वस टेंशन है वो कम हो, स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो, घबराहट वगैरह को भी थोड़ा नॉर्मलाइज करने में मदद करेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिन लोगों के शरीर में, यानी कि स्ट्रेस की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना तो कॉमन चीज है ना। हम बोलते हैं कि जिनको थायराइड है या इस डायबिटीज है, वो लोग स्ट्रेस से दूर रहे, तो मेटाबॉलिक जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं उनको सब्सिडाइज करता है। एंटी डायबिटिक इफेक्ट लेके आता है ये देवदार, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज भी इसमें पाई जाती है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि कई यानी चोट जो होती है उन्हें ठीक करने के लिए मदद करता है। इसमें ही पाया जाता है गैरिक सुधा, और नेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड साइंसेस बताती है कि गैरिक जो है वो हमारी अंदरूनी और बाहरी जो चोट होती है उन्हें ठीक करने में बहुत मदद करता है। त्याब्दी लोहा जो इसके अंदर यूज किया गया है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 में ही पब्लिश हुआ था कि ये हमारे शरीर के अंदर रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, यानी कि जिनको से आप किसी भी तरह से खून संबंधित समस्या है या हेमोग्लोबिन लो है, एनीमिक है, तो वहां पे भी मदद करता है। इनफैक्ट अमृत सत्व जो इसके अंदर यूज किया गया है वो फीवर के लिए, अस्थमा के लिए, दर्दों के लिए और क्रोनिक डायरिया के लिए काम करेगा। शंख पुष्पी पंचांग जो न्यूरायुरिच के अंदर डाली गई है, इसका यूज दोस्तों देखो कमाल है कि आयुर्वेदा में भी है और यूनानी मेडिसिन में भी है, दोनों जगह पे इसका यूटिलाइजेशन होता है, आयुर्वेदा में भी और यूनानी मेडिसिन में। अगर हम बात करें तो यूनानी मेडिसिन के अंदर इसे ब्रेन टॉनिक कहा गया है, यानी कि मुकवाई ए दिमाग, मुकवाई ए दिमाग का मतलब होता है दिमाग के लिए ब्रेन टॉनिक, और नरवाइन टॉनिक माना गया है मुकवाई ए असाब। तो ये आपको देखेगा यूनानी मेडिसिन के अंदर इसको यूज करते हुए, इनफैक्ट इंसोमेनिया को, दिमाग संबंधित समस्याओं को और इन सभी में बहुत मदद करता है। मुक्तिक पिष्टी इसमें यूज की गई है, मुक्तिक पिष्टी बेसिकली साइकोसिस और डिप्रेशन के पेशेंटों के लिए बहुत अच्छी है, तो जहां पे साइकोसिस डिप्रेशन है वहां पे ये मदद करेगी। मेंटल प्रॉब्लम, सिर दर्द, एपिलेप्सी के केसेस, और जो इसमें कैम्फरा को यूज किया, यानी हम कैम्फर, यानी कि अगर आप कह सकते हैं तो एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल है, एंटी ट्यूसिव है, यानी कि आपके कफ को काम करेगा। लेकिन आपने देखा है कि जो कैम्फर है कई जगहों पे, जैसे कि आपके मलम होती है दर्दों की, या बाम होती है एनल्जेसिक बाम, उनके अंदर यूटिलाइज होता है, तो ये कंजम्पशन के तौर पे इंटरनली एनल्जेसिक तौर पे काम करेगा। रसराज रस इसके अंदर यूज किया है दोस्तों, जहां पे आपका हिस्टीरिया का केसेस है या आपके बॉडी के ऊपर आप समझ रहे हैं कि कोई कंट्रोल शरीर का दिमाग कम कर रहा है, एंशियसनेस बढ़ रही है, तो वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से इसका रोल होता है, वहां मदद करता है। दोस्तों न्यूरायुरिच कैप्सूल एक खूबसूरत मेंटल यू कैन से एग्नी को सब्सिडाइज करेगा और मेंटल हेल्थ बूस्ट करने के लिए मदद करेगा, एक सेफ प्रोडक्ट के तौर पे सामने आएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें दोस्तों के ये जो स्मृति रिच है, जिसमें इम्यूरिच मिक्स है, इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, न्यूरायुरिच में इतनी खूबसूरत जड़ी बूटियां हैं, उसके अलावा हमारे पास ग्रीन रिच और कार्निको 10 जो बहुत खूबसूरत है, ग्रीन टी की अगर हम बात करें और कार्निको 10 की बात करें, तो दोनों हाई लेवल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, बहुत ही खूबसूरत एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, और स्ट्रेस हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव एलिमेंट्स को पैदा करता है, और इन्हें ही सब्सिडाइज या रिमूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो हमें इन दोनों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ग्रीन टी के अंदर लेमन है, जिंजर है, हल्दी है, तुलसी है, इतने सारे घटक है, ये ग्रीन टी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है दोस्तों। हमें ये डेफिनेटली, जैसे काम पे कोई व्यक्ति जा रहा है उस वक्त इसका सेवन करके जाए, वापिस आता है पूरा अपने आप को क्लीन कर लेता है, उसके बाद इसको सैनिटाइज यूज करता है, या दिन भर में जहां भी पॉसिबल होता है इसको चाय के तौर पे या टैबलेट के तौर पे डायरेक्टली मुंह में रख भी सकता है, और ये उसके लिए बहुत ही बेहतरीन, एकदम बेहतरीन तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोड्यूस करती है। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पे आता है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तो हमारे लिए जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अब हम लोग समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या करें या हम लोग ऐसा क्या करें जिसकी मदद से हमारे शरीर में हम लोग और अच्छा हमारे ब्रेन के लिए काम कर पाए, तो वो है हमारे खाने की कुछ आदतें।
जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या चीजें हमारे ब्रेन के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और कौन सी चीजें हमारे ब्रेन के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक दूसरा कंपैरिजन दूंगा। देखिए हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत बेहतरीन है विटामिन ई को लेना। अगर हम बात करें कि विटामिन ई बहुत बेहतरीन है और आपका बेसिकली ये विटामिन ई का कंटेंट कहाँ पाया जाएगा, तो ओमेगा रिच के अंदर आ जाएगा। दूसरा आता है यहाँ पे बीन्स एंड चिक पीस, यानी कि गुड प्रोटीन्स को लेना, तो आपके पास आपका प्रोटीन रिच है, स्मूथी रिच है, इनके माध्यम से आ जाएगा। यहाँ पे दिया है ब्लूबेरीज एंड ग्रेप्स, इनके लिए क्या किया जाए, तो इनके लिए अपने पास मैग्नो रिच अवेलेबल है, तो ये हमारे लिए बेहतरीन काम करेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो विटामिन्स मिनरल्स के लिए बेसिकली है, मल्टी विटामिन्स हमें इससे मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट फॉलिक एसिड्स वगैरह मिलेंगे, आयरन मिलेगा, तो ये सारी चीजें लीफी वेजिटेबल और विटामिन B12, तो हमारे पास कैलरीज मौजूद है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरती से अपना प्रोडक्ट फैमिली अवेलेबल है जो ब्रेन प्रोटेक्टर्स के लिए काम कर रहा है। इनफैक्ट ये सारी चीजें जो हमें खाने के लिए बताई जा रही है, अगर हम सही क्वालिटी की नहीं पा पा रहे तो हमारे पास ये हमारे सप्लीमेंट अवेलेबल है जो इनकी कमियों को पूरा करेंगे। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि कोविड के इस महामारी के दौरान ब्रेन के लिए मैं क्या ले सकता हूं, तो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट्स में ये चीजें आ रही हैं। आप इन चीजों का इस्तेमाल अपने घर में थोड़ा सा बढ़ाएं और हेल्थ वर्कर्स बेसिकली अगर हमारे मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इन सारी चीजों का सेवन उनके लिए बहुत बेहतरीन तौर से काम करेगा। और ये चीजों का जो मतलब सप्लीमेंटल प्रोडक्ट धनवंतरी के पास है वो मैंने आपको अभी बता दिया कि कौन सा है। जिन चीजों को अवॉइड करना है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कॉपर्स, या हम बात कर सकते हैं बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, एक्सेसिव आयरन, एल्यूमिनियम्स में बहुत ज्यादा पकाए हुए खाने, इनको इस वक्त थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं कोरोना काल के दौरान। अदरवाइज ये कोई मेजर थ्रेट नहीं है, इनमें से कोई भी चीज मेजर थ्रेट नहीं है, बट ओनली ऑप्शन के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि क्या लेना ज्यादा बेहतर रहेगा और क्या ज्यादा लेना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्या फायदेमंद है क्या फायदेमंद नहीं है उस पर बात चल रही है। तो लास्टली हम लोग बात करते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे उसके फायदे लिखे हुए हैं। फैटी फिशेस जो आपको ओमेगा के माध्यम से मिल सकता है अपने ओमेगा रिच के माध्यम से, टूना फिश जो उसमें होती है ये बेहतरीन तरीके से हमारे लिए काम कर सकती है, बेरीज जो मैग्नो रिच की तरफ से, टी एंड कॉफी की बात करें तो ग्रीन टी में आपको ऑलरेडी बचा चुका हूं, अदरवाइज हमारे पास जो ग्रीन रिच है ना वो भी बहुत बेहतरीन है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें अपने पूरे शरीर को इस कोरोना काल में बेहतरीन रखना है तो हमें अपने मेंटल इफेक्ट्स के ऊपर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के ऊपर, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। और एक अच्छे इम्यून सिस्टम के साथ अगर व्यक्ति का मेंटल सिस्टम सही नहीं होगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जो 2020 के कुछ केसेस हमने देखे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इन चीजों को बहुत सजगता से समझना है, बहुत ही ध्यान से इन चीजों को एनालाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा हमारे दोस्त, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो लोग घरों में बंद है, जो यानी कि पूरी सेफ्टी के साथ हैं, उन सभी के लिए इन चीजों को समझना है। और जैसा मैंने कहा कि जितने भी फ्रंट लाइन या सेकेंड लाइन वर्कर्स है इन सबकी हमें काफी ज्यादा यानी कि थैंक्स कहना और ध्यान रखना है। दोस्तों यही आज का हमारा सब्जेक्ट था और एग्जैक्टली 59 मिनट्स 50 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स हो रहे हैं, कुछ सेकंड्स हमारे पास बचे जिसमें मैं आप लोगों का आज जुड़ने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे आज के जो कंट्रोलर हैं मीटिंग के, उनकी बहुत ज्यादा ऋषिकेश जी की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने भी हैंडलिंग करी है मीटिंग की। और मेरे सारे दोस्त जो यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, स्क्रीन पे स्माइल दे रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके थम्सअप में देख पा रहा हूँ, आपकी क्लास में देख पा रहा हूँ, आज सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ्टी के साथ काम करिए, गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करिए। नमस्कार, गुड।